बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मुस्माबिर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की मेरी वीडियो है सालस सनस्क्रीन पर। तो मज़ीद वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे अगर बात की जाए और सनस्क्रीन की, तो मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा सनस्क्रीन मिल जाएंगी, लेकिन सालस की ये जो सनस्क्रीन है ये बहुत ही बेस्ट है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल रहेगी। ये आपकी स्किन को ग्रीसी फ्री भी बनाएगी और आपकी स्किन को मैट फिनिश भी देगी। ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट सनबर्न के और प्री मैच्योर एजिंग के। इतना ही नहीं, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का मसला है तो उसको भी रिड्यूस करती है। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको अपडेट दी जाए रिलेटेड टू ऑल मिथ्स अबाउट सनस्क्रीन, और ये क्लियर किया जाए कि सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन की UVA UVB हार्मफुल रे से। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है नॉन ग्रीसी नॉन स्टिकी फॉर ऑल स्किन टाइप। तो बिल्कुल इस सनस्क्रीन को ऑल स्किन टाइप वाले अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें SPF 60 भी यूज़ किया गया है। इसकी पैकेजिंग से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये ट्यूब फॉर्म में है। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। वैसे इसके ऊपर उन्होंने ऑल चीज़ें मेंशन की हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं, एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, और ये डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड भी है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है सालस विद एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ सीबम कंट्रोल। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए और आपको वीडियो स्किप कर कर के देखनी पड़े। इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बना रही हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि समर में ही आप सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं बारहा अपनी वीडियो में बताती हूँ, वो इसलिए ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए। सनस्क्रीन के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। अभी ये वाली सनस्क्रीन को मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये ट्यूब फॉर्म में है। अगर आप इसको एक बार बाय करते हैं तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा देर चल जाएगी। ये आपकी स्किन से मेलानाइन के मसले को भी कम करेगी। इसके अलावा आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करेगी सनबर्न से। अभी मैं इस सनस्क्रीन को ओपन करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से क्रीम फॉर्म में है या फिर जेल फॉर्म में है। तो आपने इसकी ज़्यादा अमाउंट नहीं लेनी, आपने इसकी थोड़ी सी अमाउंट ले लेनी है और उसको अपने फेस और नेक पर अप्लाई कर लेना है। 20 से 30 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर आपने इसको अप्लाई करना है। अभी मैं आपको अपनी सिस्टर के फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। मैं तो इस सनस्क्रीन को एज ए अपनी स्किन केयर में भी ज़रूर अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी स्किन ग्लासी रहे और मेरी स्किन पर पिगमेंटेशन ना रहे। 2000 years later. वैसे भी आजकल गर्ल्स वाइटनिंग के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा क्रीम्स अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेती हैं, चाहे वो फार्मूला क्रीम हो या चाहे फिर वो दूसरी क्रीम्स हों, जिससे उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है और स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन का मसला बन जाता है। अगर वो हाइपर पिगमेंटेशन के मसले से बचना चाहती हैं तो वो इस सनस्क्रीन को अपनी डेली स्किन केयर में ज़रूर अप्लाई करें ताकि उनकी स्किन ग्लासी भी रहे और स्किन पर मेलानाइन का मसला भी ना हो। तो आई होप आपको इस वीडियो को वॉच करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।